हेलो गाइज, वेलकम टू आवर चैनल और मैं रेखा अग्रवाल। आज की वीडियो में हम नान बनाएंगे। मैं आपको ढाबे में बनने वाली जो नान होती है सेम वैसे ही आपको घर पर नान बनाना सिखाऊंगी, बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही टेस्टी। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ये मैंने मैदा ले लिया है 300 ग्राम। इसमें हम एक चम्मच नमक डाल देंगे और इसमें छोटी एक चम्मच चीनी की डाल देंगे, एक चम्मच रिफाइंड डाल लेंगे, दो चम्मच रिफाइंड डाल देंगे, एक और डाल दिया मैंने, और आधा कटोरी इसमें हम दही डालेंगे, ये बिल्कुल एक चौथाई चम्मच हम इसमें मीठा सोडा डालेंगे। अगर मीठा सोडा ज़्यादा डल गया तो ये कड़वा हो जाएगा और कम डल गया तो ये फूलेगा भी नहीं, तो उस बात को ध्यान में रखते हुए हम मीठा सोडा डालेंगे, कम या ज़्यादा ना हो जाए। तो सारा सामान मैंने इसमें डाल दिया है, अब इसको हम गूँथ लेंगे। तो दही तो हमने इसमें डाल दी थी, बाकी जो हम इसमें डालेंगे वो पानी डालेंगे और इसका एकदम सॉफ्ट डो बना लेंगे। नान को कभी भी हम चकले से नहीं बेलते हैं और हाथ से ही बढ़ानी पड़ती है इसको, इतना सॉफ्ट कर लेंगे कि हाथ से ही इसको हम बढ़ा लें और हाथ से ही बन जाए ये। तो गाइस, आटा मैंने गूँथ दिया है, ये देखिए इस तरह से सॉफ्ट आटा गूँथ लेंगे और इसको अब हम 15-20 मिनट के लिए उठा के रख देंगे ताकि आटा हमारा सॉफ्ट हो जाए। 15-20 मिनट हो गए हैं इसको रखे हुए, अब हम मैदा को देख लेते हैं। तो ये देखिए अच्छी तरह से सॉफ्ट हो गई है, हाथों में थोड़ा रिफाइंड लगाएंगे और इसको फिर से हम गूँथ लेंगे एक बार और। तो आटा हमारा तैयार है नान बनाने के लिए। तो अब हम क्या करेंगे, तो आज हम कढ़ाई में नान बनाएंगे। नान तवे पर भी बना सकते हैं और तंदूरी चूल्हे में भी नान बन जाती है। कढ़ाई चढ़ा देंगे और इसको हम एकदम गर्म कर लेंगे पहले। और ये देखिए हरा धनिया भी ले लिया है, इसको मैंने साफ़ कर लिया है और इसको बारीक काट लेंगे, ये हम नान पर लगाएंगे। धनिया को बिल्कुल बारीक काट लेंगे। तो कढ़ाई भी हमारी गर्म हो चुकी है, तो नान बनाना स्टार्ट करते हैं। तो ये देखिए थोड़ा थोड़ा आटा लेंगे हम और चकले पर लगा लेंगे हम थोड़ा सा तेल ताकि नान हमारी चिपके ना। तो दोनों तरफ नान के भी हमने तेल उलट पुलट करके लगा लिया है। और गाइस, जिस तरह से हाथों से बढ़ाएंगे हम नान को, थोड़ी आड़ी टेढ़ी थोड़ी लंबी, इसी तरह से नान बनती है और बड़ी स्वाद बनती है। तो ये देखिए हाथ से हमने कितनी अच्छी तरह से नान को बदा लिया है, पूरी नान को हाथ से हमने फैला लिया है। और जब हमारी ये कढ़ाई गर्म हो जाएगी तो हम गैस को सिम कर देंगे और एक साइड पानी लगाकर और नान को हम कढ़ाई में फटाफट चिपका देंगे इस तरह से। और गाइस, नान के ऊपर जब हम तवे पे चिपका देंगे इसको कढ़ाई में, उसके ऊपर हम हरा धनिया लगाएंगे और थोड़ी सी कलौंजी लगाएंगे। ये देखिए बारीक कलौंजी होती है जो अचार वाली, ये भी लगती है नान पर, तो थोड़ी सी ये भी लगा देंगे और थोड़ी सी दबाकर चिपका देंगे। और इस तरह से इसको हाथ से भी बढ़ा सकते हैं हम, देखिए गाइस। और इस नान को भी हम इसमें लगा देंगे। और थोड़ी सी लगाएंगे ये मगरेल बोलते हैं इसको, कलौंजी। ये देखिए चकले पर इसी तरह से जल्दी जल्दी से बन जाती है फटाफट से।
ज़्यादा टाइम नहीं लगता इसको। आटा लगा कर भी बना सकते हैं अगर आपसे ऐसे नहीं बनती है तो, पर ये बगैर आटे की बहुत अच्छी बनती है। ये देखिए बढ़ गई है फटाफट से। इस पर हम यहीं पे भी धनिया लगा सकते हैं या कढ़ाई में चिपका कर भी लगा सकते हैं, जैसे मर्जी लगा लें आपको जैसे पसंद आए। थोड़ी सी हम इसमें कलौंजी लगा देंगे। और गाइस ये देखिए इसके पिछले हिस्से पे थोड़ा सा पानी लगाएंगे और नान को इस तरह से चिपका देंगे। नान हमारी सिकने वाली है, ये देखिए हट गई है, छोड़ दिया इसने। और ये देखिए गाइस कितनी करारी सिकी है पीछे से। और अब हम इसको या तो कढ़ाई को टेढ़ा करके सेक सकते हैं और इसको हटाकर भी हम गैस पर सेक सकते हैं। ये देखिए हट गई आराम से और पीछे से अच्छी तरह से सिक गई है हमारी। इसको भी देख लेते हैं। तो ये देखिए गाइस कितनी करारी नान हमारी बनकर तैयार हुई है। तो ये देखिए इस तरह से हम गैस पर उल्टा करके इसको दूसरी साइड से भी सेक लेंगे। बहुत जल्दी हमारी नान बन जाती हैं। घर का बनाया हुआ खाना हेल्दी व हाइजीनिक होता है और इसमें खर्चा भी बहुत कम आता है, ये तो आपको पता ही है। और यही नान हम होटल में खाने जाएंगे तो कितनी महंगी मिलती हैं। तो ये देखिए गाइस नान हमारी बनकर तैयार हैं और ये भी मैंने सेक ली थी दोनों नान। अब हम इसमें बटर लगाकर या कैसे भी खा सकते हैं और गैस को बंद कर देंगे। तो गाइस ये देखिए नान बनकर हमारी तैयार हैं और इसी तरह से आप भी घर पर नान ट्राई ज़रूर करना, बहुत ही टेस्टी नान बनती हैं। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस, फिर बाय बाय गाइज़।